हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज गुरुजी। आज मैं आपको प्रीवियस ईयर में जैसे कि एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस के पेपर में कुछ पूछे गए क्वेश्चनों को के बारे में बताने जा रहा हूँ। अगर आपको ये मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चन के बारे में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, जैसे कि अनाज दिया है गोदाम, जैसे कि अनाज रखा जाता है गोदाम में, तो जल कहाँ रखा जाता है? तो इसका हो जाएगा बांध। जल का हो जाएगा बांध। बांध को में संरक्षित किया जाता है। और दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें से ये छानना है, जैसे ये 7 का वर्ग है, ये 8 का वर्ग हो गया, इसी प्रकार 12 का वर्ग है ये, तो 13 का क्या हो जाएगा? 169। 169 आंसर हो गया इसका। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब 100 को इस प्रकार लिखा जाता है, तो रेवा को क्या लिखा जाएगा? तो एस का कोड क्या होता है बताइए आप? 19 होता है। और एन का कोड कितना होता है? 14। तो इसमें कितना घटा? 5 घटा। इसी प्रकार आर का कोड कितना होता है? 18। 18 में से 5 घटा कितना हुआ? अच्छा, 13। तो 13 का क्या हो जाएगा? आई 10 का क्या होता है? जे के एल एम एम 13 का यम हो गया। तो यहाँ पर आगे आंसर आएगा यम। सब में देख लीजिए कि 5 5 घट रहे हैं। एच का कितना होता है? 8। सी का होता है 3 5 घट रहे हैं। और ई का होता है 5। और इसमें 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26 एम जेड। इसी प्रकार ओ 15 होता है, जे में ओ में 5 घटा तो जे आ गया। सॉरी, इसमें ए होगा, यम ए। ओ में 5 घटा तो जे आया, और ई में 5 घटा तो जेड आएगा। ये जेड ही होगा, सही है, यम जेड। इस पर डब्ल्यू में, डब्ल्यू का 23 होता है, 23 में से 5 गए तो 18 बचा। आर 18 का क्या कोड होता है? 8। आर ए में 5 घटा, 20 किसका होता है? जॉयटी टी 20 का कोड होता है टी, तो एम जे आर टी हो जाएगा इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24, ये 24 इस 126 आ रहा है, ये 48 आ रहा है, तो ऐसा गुणा करो कि 126 हो जाए। तो 24 पंजे कितना होता है? 5 अक्कू 20, 5 दूनी 10, 120। 120 में 6 जोड़े, 126 हो गया। इसी प्रकार 48 में 5 का गुणा करेंगे, 5 8 40, 5 अक्कू 20, 240। इसमें भी 6 जोड़ दें, 246 हो जाएगा। इसका आंसर 246 हो गया। इसी प्रकार 16, ये 16 का जिस प्रकार 34 से संबंधित है, इसी प्रकार 11 का क्या होगा? तो 16 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना है? 32। 32 प्लस 2 34 आ गया इसका आंसर। ये इसी प्रकार 11 का गुणा 2 में करेंगे, 11 गुणे 2 बराबर 22, प्लस 2 24 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म चुनिए। तो विषम संख्या इसमें चुनना है। ये तो देखो दोस्तों, 7 का घन हो गया, ये 8 का घन हो गया, ये 9 का घन हो गया, यही विषम संख्या है। जो बा ये है 12 का वर्ग, ये विषम संख्या हो गई। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। ये जोड़ा, इसमें विषम संख्या ढूंढनी है। तो 1 प्लस 3 प्लस 2 बराबर 6 आ गया ये। इसी प्रकार 1 प्लस 2 प्लस 5 बराबर 8। अब इसका देखो, 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर 7। और इसका देख लो, ये वाला 1 प्लस 1 प्लस 2, ये आ रहा 4। ये विषम संख्या, ये मिल नहीं रहा, ये विषम संख्या हो गई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किसी सांकेतिक भाषा में टिम फू का शो का अर्थ है सी इज गुड, और रिम टिन सो का अर्थ है ही इज़ बैड, एंड तथा रिम से टिम का अर्थ है गुड एंड बैड। तो इज एंड बैड का कोड क्या होगा? तो दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग सबसे पहले कॉमन देखते हैं। टिम देखो, इसमें कॉमन मिल रहा, दोनों में मिल रहा, इसको काट दो और इसको गोला बना के। और इसमें देखिए, इसमें क्या कॉमन मिल रहा, दोनों में इज मिल रहा, तो इज को काट दो और इसके ऊपर इज लिख दीजिए। अब फू फू देखो, इसमें मिल रहा नहीं मिल रहा, नीचे भी नहीं मिल रहा। सो देखो, सो
100 मिल रहा है, इसको काटो। और इस और इसमें और देखो दूसरा कोड कौन सा मिल रहा है, सी नहीं मिल रहा, ये सी है, सॉरी ये सी है, ये सी होगा दोस्तों, सॉरी सी मिल रहा है इसमें कॉमन, तो इसका कोड हो जाएगा सी, इसको काट दो। अब फू देखो कहाँ मिल रहा है, फू तो अकेला रह गया, तो इसका कोड हो जाएगा फू का कोड गुड। अब रिम देखो मिल रहा है इसमें, रिम को काटो, और इसमें क्या मिल रहा है बैड, बैड को काट देते हैं हम लोग, इसके ऊपर बैड लिख देते हैं। इसमें बचा सेटिम, और कोड किसका पूछा गया, इज का पूछा गया, इज तो इज ये काटा है, इज किसका कोड है टिम, इज हो जाएगा टिम। बैट का कोड देखो, बैट ये कहीं लिखा है रिम, बैट का कोड हो गया रिम। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं और क्वेश्चन अपडेट करके आपको नई नई जानकारी दे सकूँ।